लिस्ट को खारिज करने के मामले में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने करारा हमला किया है। विज ने कहा कि हुड्डा को पहले अध्यक्ष बनाया गया और फिर उनका गला काट दिया गया, यही कांग्रेस का कल्चर है। कांग्रेस ने देश के लोगों के साथ भी यही किया है और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी यही कर रही है। हरियाणा में इनकी लड़ाई आसानी से सुलटने वाली नहीं है। वहीं अरविंद शर्मा के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज सबकी पसंदीदा पार्टी है, हर कोई भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है। कुछ लोग शामिल हो चुके हैं और बहुत से लोग अभी पार्टियों से अभी और आना चाहते हैं, जिन्हें हम देख कर लेंगे। तमिल समिति का अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद सबसे पहले उन्हीं का ही गला काटा गया, तो यही है कांग्रेस का तालमेल। कांग्रेस ने आज तक देश के साथ भी यही करा है, अपने पार्टी के लोगों के साथ भी यही करती है और हरियाणा में तो जो इनकी लड़ाइयां हैं वो आसानी से सुलट नहीं सकती। आज जो भारतीय जनता पार्टी है, इट इज़ एवरीबॉडीज चॉइस, सब लोग इसमें आना चाहते हैं और कुछ लोग इसमें शामिल हो भी गए हैं, बहुत सारे लोग और आना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोगों की, सभी पार्टियों के नेताओं की रिक्वेस्ट आई हुई है, तो देख देख के लेंगे सब।